हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ऋषिकेश को। तो फिर हम तपोवन तो नहीं, मैं आपको समझा देता एक बार हम कहाँ कहाँ से। देखो अभी हम ऋषिकेश में, और अभी हमें शीशम झाड़ी के आगे वाली उसमें जहाँ पे वॉक करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सेतु पुल है, तो हम सेतु पुल से घूमते हुए राम झूले से वापस आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस व्लॉग को लास्ट तक देखना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो अब सीधा अगर कोई बढ़िया दिखाते हैं। पता भी आप देखोगे अभी बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। तो सीज़न इसका होता है अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, गर्मियों का सीज़न रहता है। और अभी पता नहीं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि इतना खाली कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय बाद आ रहा। और यहाँ पे गंगा रिजॉर्ट है, जो कि मतलब रिजॉर्ट तो काफ़ी है, मगर ये कैसे रिजॉर्ट है जिसको दरवाज़ा खोलो सीधा आते ही साथ अरे गंगा जी, ठीक है। मेरे को भी बहुत बढ़िया लगता है, और कभी मैं भी अगर रुकने के पर्पज़ से आऊँगा तो मैं भी ज़रूर इसी पर रुकूँगा, गंगा रिजॉर्ट पर। बाकी भीड़ बहुत कम रखी है, और आपको दिखाता हूँ। पहले जब गंगा किनारे वॉक करते थे तो नीचे आपको लाल लाल से दिख रहा है, ये किनारे किनारे वॉक करते थे। फिर मेरे ख्याल से जब से देवी आपदा आई थी 2013 में, और जब से 2021 में कुंभ लग रहा था जैसे कि उसमें हरिद्वार पे, तब से बहुत डेवलपमेंट होगी। और एक बार देखो यहाँ पे, ये नीचे भी लगा दिए, पता नहीं जो फुटपाथ वाली टाइल टूल जो ही बोलते हैं इसे, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इससे ऋषिकेश, आप देख लो। और अभी लाइटिंग सेट बहुत तगड़ा है यहाँ का रात का। अब देखो यहाँ पे एक ग्राउंड है ये, जहाँ पे इसमें मेला भी लगता है, और यहाँ पे पहले बस भी खड़ी होती थी। अब ये देखो, ये हमारा सेतु पुल, इसका पूरा नाम कुछ है सेतु सुतु करके कुछ, थोड़ा मेरे को ठीक से पता नहीं। अब देखो कितना ही भयंकर है, कितना औसम है। एक बार देखो, और आपको भी दिखा दूँ, ये देखो ये है भूतनाथ मंदिर, जाके आके लोगों ने मेरे को बताया। और बाकी पुल पता बहुत ही, क्या बताऊँ आपको, कितना अमेजिंग लग रहा है मेरे को। तो पता ऋषि के साथ था कि भेलपुरी ज़रूर खाना, गोलगप्पा तो टेस्ट नहीं है जितने मुझे भेलपुरी लगे, पता नहीं 20 रुपये कुछ का है, मगर बढ़ती टायर बहुत तगड़ा है, पता है मज़ा आ गया खा के। और एक बार ही देखो, वाओ कितना अच्छा लग रहा। तो यस गाइस, अब सीधा एंट्री मार लिया मैंने अपने सेतु पुल पे, जबकि यहाँ पर भी कहीं लिखा हुआ नहीं है यार कौन सा नाम है, मगर बहुत ही, क्या बताऊँ, मतलब ऋषिकेश में भी लिखा हो भाई, पीछे से भी देखो। मेरी तो एंट्री पता नहीं पहली या दूसरी बार ही हो रही होगी यहाँ पे, इतना आते नहीं सीखे भाई, बहुत ऊँचा निकल रहा था, फोन जज भी निकल पा रहा, पता नहीं कितना ऊँचा है ये। वो तो गाइस सीधा मैं देखो बाहर आ गया हूँ अपने इस नए पुल से, देखो यहाँ से कैसा दिखता है। बाहर आते से बहुत सारे आश्रम, पता आश्रम की तो कोई कमी नहीं है, देखो मतलब जहाँ जाओगे ऋषि के, मतलब लोग कम और घर, मतलब घर कम और आश्रम ज़्यादा है, वही तो ऋषि मुनियों का शहर हमारा ऋषिकेश, ऋषियों का वो है स्थान है। तब ये पवित्र जगह, कुछ ऐसी है यहाँ की स्ट्रीट खेतों से बाहर निकलते साथ। कभी आना तो स्पेशल मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो ये है ना, मतलब सांड तो से बहुत है, सांड होंगे भैंस होंगे गाय होंगे, इनसे बड़ा बच के रहना है यार, पता मतलब कभी भी एकदम से सामने आ जाता, कभी पीछे आ जाते, पता नहीं चलता। बहुत लोग के मतलब आहार सामने होता तो रहता है, एक दो बार तो मेरे सामने होकर काफ़ी मार देता है, सिंह मारते हैं, तो इन समय से बच के रहना। तो गाइस देखो कितनी प्यारी लग रही है यार, अभी यहाँ से अब मैं आ सका हूँ दूसरी साइड पर, क्या बोलते हैं वही मेन रोड वाली साइड, अरे मेन रोड वाली साइड नहीं है, मेन ऋषिकेश वो है इधर नहीं है, गंगा का पार करके, ठीक है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो एक बारी देखो कितनी साफ़ सुथरी यहाँ पे गली है, जबकि इतना साफ़ सुथरा कैसे हो सकता है, मैं भी वही सोच रहा, पर अच्छी बात है साफ़ सुथरा रखा तो। और ये आश्रम, ये भी आश्रम ही है लिखा पता है बाहर, बहुत ही अच्छे है पता है, मतलब दिल खुश हो गया यार आके, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, सब आ रहा है यहीं पर। जैसे देहरादून में अपना घंटा घर है, तो ये ऋषिकेश का घंटा घर है, क्योंकि टाइम 12 क्यों दिखा रहा है, जबकि अभी तो 6 बज रहे, टाइम काफ़ी गलत दिखा रहा है ये देखो, तो पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। वैसे मेरे हिसाब से तो घंटा घर ही है ये, इसी के इसका टाइम तो सही होना चाहिए था, इसका मतलब टाइम ऐसा गलत हो रखा है। बाकी बहुत सुंदर दिख रहा है देखने से, आप देख लो, बाकी इसका सिस्टम मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से तो टाइम गलत दिखा रहा है, ख़राब हो रखी है। यहाँ पर आरती हो रही है, और यहाँ पे बजरंग बली के आवेग, देखिए बजरंग बली की मूर्ति भी है,
बहुत प्यारी, मतलब क्या बोले कुछ बोल रहा है। जब भी आओ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलता है और कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। देखो नीचे फुटपाथ वाली टाइल लगा दी, बहुत ही अच्छे अच्छे कैफेज भी हैं यहाँ पे। पूरा ही नीचे होता ऊपर टीन लगा रखी थी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। इसकी जान बान शान आन राम झूला, राम झूला लक्ष्मण झूला में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं लोग, मगर ये है राम झूला, उसमें तिरंगा बना हुआ और लक्ष्मण झूला भी तिरंगा शायद उसमें भी हल्का हल्का उसमें बना हुआ है। अब पहचान तो देख लेना लिखा हुआ होगा। गाइस यार अलग ही पीस है, पता है राम झूला। आप देखो राफ्टिंग भी चल रही है और राफ्टिंग के साथ साथ हमारा ये गोवा बीच भी है। और पता है क्या बताऊँ आपको, मतलब अलग मज़ा है यार। वो है सेतु जिसमें मैं आया था और ये राम झूला और लक्ष्मण झूला है उस तरफ, सबसे लास्ट वाला है लक्ष्मण झूला। ठीक है, गोवा बीच और राम झूला से भी हटके साइड में तो राम झूला के इस साइड आते हैं। पता बहुत भीड़ थी, पता फ़ोन निकालने का व्लॉग निकालने का टाइम ही नहीं मिला, तो सीधा मैं क्या बोलते हैं टीन टोन से नीचे आके इस तरफ आ चुका हूँ। थोड़ा सा आगे राम झूला से आगे आ चुका हूँ और राफ्टिंग भी पता नहीं इतनी ठंड में कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हमसे नहाया नहीं जाता और ये भीग भीग के राफ्टिंग कर रहे और फोक फोक भी हो रखा है मौसम काफ़ी। तो राफ्टिंग तो अब देखो सब राफ्टिंग से आ ही रहे और ये बोटिंग, बोटिंग मतलब पूरा उधर नहीं घुमाएगी, इस पार से लेके उस पार तक ले जाएगी। वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा पॉइंट ये है, बस ये पार कराएगी। जैसे अभी हम राम झूला और ये सेतु से पार कर गए ना, तो बोट से करना पड़ेगा, बोट के चार्ज भी हैं। तो बोट के मैंने चार्ज पूछा 20 रुपये पर हेड, जो कि ठीक है यार, अगर ऐसी जगह पर आ रखे किसी की जैसी तो 20 रुपये खर्च करने चाहिए। और बोट का भी अपना मज़ा है, पैदल घूमने का भी अपना मज़ा है मेरे हिसाब से। दोनों देखो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों के अपने अपने मज़े हैं, दोनों बढ़िया हैं। और जो मैं आपको उस कोने पे घंटा घर दिखा रहा था ना, आप एक बार देखो यहाँ से कैसे दिखता है। और ये गोवा बीच नहीं है, ये है घंटा घर, इसका बता रहा था टाइम गलत है, टाइम तो ये पता नहीं, मैं यहाँ से दिख नहीं रहा। और ये गोवा बीच नहीं है, गोवा बीच साइड था अभी भी, चलो गोवा बीच ही आपको दिखाते हैं। ये है गोवा बीच, अब एक बार आप यहीं से देख के अंदाजा लो गोवा बीच में कितना क्राउड है। और एक बार ये देखो यहाँ कोई भी नहीं, बस ये अंकल हैं और बाकी कोई नहीं है। तो गाइस अभी मैं सबसे नीचे इधर बैठा हूँ गंगा के किनारे और पता है सच में रियली यार मतलब इतना मज़ा है ना, मतलब अकेले भी एक बात करो, देखो जो भी वो भी अकेले ही है, मतलब काफ़ी लोग अकेले बैठे हुए, पता इतना मज़ा है ना, मतलब अकेले बैठने का भी आप बोर नहीं हो सकते। पता कैमरा ही पता नहीं यार जज कर पाए नहीं कर पाए, मगर पानी भी आप देखो नहाने लायक है पूरा, मगर इतनी ठंड में नहाना नहीं है अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी है ना। और पता बहुत मज़ा आ रहा है यार बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जो ये राम झूला है भाई ऋषिकेश वाले, बताओ इसकी आधी लाइट ही खुली हुई रहती है हमेशा यार, पूरी लाइट खुलती नहीं, देखो यहाँ की बंद और यहाँ की खुली हुई, मतलब सब सारी लाइट जब खुल जाएगी ना तभी भी नहीं खुलेगी है। पता नहीं भाई क्या चक्कर इसका, हर बार मैंने काफ़ी बार नोटिस करा, मैं जितनी बार भी आता हूँ सबको डेवलप हो जाएगा, पर ये चीज़ ना कभी डेवलप होगी ना मुझे समझ भी नहीं आ पाएगा। और ये बच्चे भी फूल बेचते रहते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे लहराते नहीं अब जैसे पूजा करते हैं, जो भी ले लिया करो यार इनका, और बहुत अलग ही मज़ा है, नेक्स्ट लेवल मज़ा है। तो 15 मिनट से इधर ही बैठा फ़ोन ही चला रहा था और ये राफ्टिंग करते हैं। अच्छा राफ्टिंग का लास्ट पॉइंट है ये, यहाँ पर आके सब रुक जाते हैं जो है सेतु, सेतु पुल से पहले। ये राफ्टिंग कभी भी क्या नाम है त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट तक कभी भी नहीं जाएगी राफ्टिंग, राफ्टिंग बस यहीं तक होगी। अब इसका वो है मतलब पहली होती 5 किलोमीटर की, फिर 10 किलोमीटर की, फिर 15 किलोमीटर को ऐसी ऐसी करके मैं जाता रहता, मगर इससे आगे नहीं कहीं भी जा सकूँ, मगर इससे आगे नहीं। तो चलिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे का तो ब्लॉग प्यारा होगा। तो इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन के बाद इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।